जब भतीजे अखिलेश के सामने ही चाचा शिवपाल को लगा जोरदार तमाचा। एक सिपाही ने क्यों मारा था चाचा शिवपाल यादव को तमाचा? कौन था वो पुलिस वाला जिसने रसीद दिए थे थप्पड़? मायावती सरकार में सिपाही को इतनी हिम्मत कहां से आई? 2008 का वो दौर जब शिवपाल यादव के समर्थन में पूरे प्रदेश में विरोध होने लगे थे। अगले साल यूपी में लोकसभा चुनाव होने वाले थे और सभी पार्टियां अपनी चुनावी विसाते बिछा रही थी, लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जो घटना यूपी के इतिहास की उन बड़ी घटनाओं में से एक है जो आज भी हम आपको सुना रहे हैं। दरअसल शिवपाल यादव को क्या पुलिस वाला कभी थप्पड़ मार सकता है, ये बात उस दौर में सोची भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बाद समाजवादी पार्टी में अगर कोई ताकतवर नेता था तो वो थे शिवपाल यादव। लेकिन वो घटना बताती है कि एक पुलिस वाले ने शिवपाल यादव को उनके भतीजे अखिलेश यादव के ठीक सामने ही थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल ये वाक्या 2008 का है, तब यूपी में बसपा की मायावती सरकार थी और समाजवादी छात्र सभा के एक युवा नेता एक प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान कुछ युवा नेताओं को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पार्टी के छात्र नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ लखनऊ स्थित SSP आवास के सामने शिवपाल यादव और अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए। उस धरना प्रदर्शन के दौरान जब SSP शिवपाल यादव और अखिलेश यादव से बात कर रहे थे, उसी दौरान न जाने क्यों एक सिपाही ने शिवपाल यादव को जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अखिलेश यादव कुछ भी नहीं कर पाए। हालांकि वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दर्ज कराई और ये बात सबको पता थी कि ये बहुत बड़ा सियासी बखेड़ा खड़ा होने वाला है, जिसके बाद उस सिपाही को तो वहां से हटा दिया गया, लेकिन इस सवाल का जवाब पुलिस के पास नहीं था। हालांकि इसके बाद सपा कार्यकर्ता इतने भड़क गए कि पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन शुरू होने लगा। इस विरोध प्रदर्शन में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई और साथ ही कई लोग भी घायल हो गए। इन सब के लिए मुलायम सिंह यादव ने तब की मुख्यमंत्री मायावती को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन ये सवाल कितना गंभीर है कि उस वक्त के बेहद ताकतवर नेताओं में से एक रहे शिवपाल यादव को एक पुलिस वाले ने थप्पड़ मार दिया। पुलिस मीडिया न्यूज के साथ आप जुड़े रहें, हमारा आपसे वादा है पुलिस से जुड़ी हुई जानकारी, पुलिस से जुड़ी हुई कहानी और ऐसी कहानी जिसमें पुलिस और राजनीतिक जोड़ी की कहानी बनी हो, हम आपको लगातार सुनाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं खबर आपको कैसी लगी।